स्तुति हो। और एक बार इस प्रकार प्रभु का वचन का अध्ययन के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हम सबको सगायदा किया। हमारे साथ जोड़ा हुआ हरेक भाई बहन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुमूल्य समय निकाल के ये बाइबल अध्ययन में आपने जोड़ा, प्रभु आपको आशीष करे। आज का हमारा विषय है डायरेक्ट क्लेम्स एंड इनडायरेक्ट क्लेम्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का प्रत्यक्ष दावा और अप्रत्यक्ष दावा। देखो, यीशु अपने बारे में क्या बोला? यदि यीशु अपने बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है तो हमको बोलने का क्या अधिकार? चलिए, हमको बराबर सुवार्ताओं में देखना है यीशु अपने बारे में क्या बोला। व्हाट डिड जीसस से अबाउट हिमसेल्फ? ईश्वर आप उनके बारे में हमको जानकारी मिलने के लिए चार प्रकार अपने आप को प्रकट। ईश्वर चाहते हैं हम उनके बारे में जानकारी पाए। यदि ईश्वर स्वयं इसके लिए कुछ किया नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करें हमको ईश्वर के बारे में जानकारी बराबर पा नहीं सकता। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हमारा ईश्वर ऐसा एक ईश्वर है, मनुष्य उनके बारे में जानकारी पाना ईश्वर चाहता है। चलिए, आज मैं शुरुआत में यह बोलना चाहता हूं, ईश्वर पहले मनुष्य का कॉन्शियंस में, विवेक में, अंधकरण में प्रकट हुआ। देखो, हम कुछ गलती करेंगे तो तुरंत हमारा विवेक, हमारा अंधकरण, हमारा कॉन्शियंस यदि गलती किया तो हमको अंदर से बता के देगा तुम जो किया है गलत है। यदि हम सही किया तो अंधकरण हमको बोलेंगे तुम अच्छा किया। चलिए, अंधकरण में ईश्वर प्रकट हुआ है। अंधकरण में ईश्वर हमको जानकारी दे सकता है। हमारा विवेक में ईश्वर हमारे साथ बात कर सकता है। पहला, ईश्वर हरेक मनुष्य के लिए ये किया है। ईश्वर के बारे में सीमित रीति में होगा पर भी जानकारी मनुष्यों को मिल सकता है। दूसरा है, ईश्वर इस सृष्टि में प्रकट हो गए। ये सारा सृष्टि सृष्टिकर्ता का ज्ञान के बारे में, सामर्थ के बारे में हमें बताता है। इधर का एक एक चीज निशब्द भाषा में हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ये बनाने वाला कितना बड़ा है, कितना महान है, ये सृष्टि हमें बताता है। सृष्टि में ईश्वर प्रकट हो। तीसरा है, बाइबल में ईश्वर प्रकट हो। सृष्टि में भी ईश्वर का प्रकट होना अपूर्णता में, और ईश्वर अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। ईश्वर कौन है? ईश्वर में क्या-क्या गुण है? ईश्वर बाकी सारे सृष्टियों से सृष्टिकर्ता कैसा अलग है, ये सब बाइबल हमें बराबर सिखाता है। आखिरी में, यीशु मसीह में ईश्वर प्रकट हो। यीशु मसीह में ईश्वर प्रकट हो। यीशु ईश्वर को प्रकट करने के लिए इधर आया। यूहन्ना 1:18 में हम ऐसा पढ़ते हैं,
परमेश्वर को कोई भी देखा नहीं है। जो एकलौता पुत्र पुत्र उनके गोदी में था उसने ईश्वर को प्रकट किया। मनुष्य का कोशिश से आज तक कोई ईश्वर को देखा नहीं है। इधर ईश्वर मनुष्य रूप में प्रकट होके ईश्वर को प्रकट किया। ये सच्चाई मन में रखें। यीशु अभी उनके बारे में क्या बोला ये हम बाइबल से पहले देखेंगे। डायरेक्ट क्लेम्स, उसने प्रत्यक्ष में क्या बोले अपने बारे में। लोग जानना चाहते थे यीशु सच में कौन है। चलिए पहला बात है, यीशु यूहन्ना 17:5 में उनका अनादि काल के बारे में बताया। John 17:5 यीशु उनका पिता से प्रार्थना करते समय में यूहन्ना 17:5 में अपने बारे में क्या बोला सुनो। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अभी इधर यीशु मसीह अपना पिता से प्रार्थना करता है और बोलता है, ओ फादर ग्लोरीफाई मी विथ योर ओन ग्लोरी विथ द ग्लोरी विच आई हैड विथ यू बिफोर द वर्ल्ड वॉज। ए पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। चलिए यीशु इस जगत में आने से पहले कहाँ था, कब से था, जगत का उत्पत्ति से पहले, कुछ भी बनाने से पहले पिता के साथ उस महिमा में था। यीशु क्या बता रहा है, यीशु बाकी मनुष्यों से अलग है। यीशु का जीवन का आरंभ बदले में नहीं हुआ। यीशु अनादि काल से पिता के साथ स्वर्ग में था। ये सृष्टि होने से पहले यीशु पिता के साथ स्वर्ग में था। उनका अनादि कालत्व के बारे में यीशु इधर बता रहा है। ये पहला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य उनको कौन समझता था, इसी अध्याय में लोग उनको बार बार पूछा, इनको ये जानकारी सब कहां से मिला, ये जोसेफ का लड़का है, उनका माँ बाप को हम जानते हैं, मरियम का लड़का है, ऐसे है, उनका भाई बहनों को हम जानते हैं। उन लोग एक साधारण मनुष्य के रूप में उनको देखना चाहता था। यीशु बोल रहा है, मैं अनादिकाल से स्वर्ग में पिता के साथ उस महिमा में था। वो महिमा से इधर यीशु ईश्वर को प्रकट करने के लिए आया है, पहला बात है। दूसरा है John 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इधर यहूदी लोग उनके साथ वाद विवाद करने के लिए आया। They wanted to argue with Christ. और यीशु उस समय उनसे बोला, 23 में बोला, यू आर फ्रॉम बिलो, आई एम फ्रॉम अबाउ, यू आर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो इधर यीशु ऐसा नहीं बोला है, तुम नीचे का है, जगत का है, मैं और मेरे शिष्य हम, ऐसा नहीं बोला। यीशु अपने शिष्यों से भी उनको अलग कर दिए, किसी को उनके साथ जोड़ा नहीं है। बाकी सब लोगों को अलग करके क्या बोला, मैं ऊपर से हूं, तुम सब नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं है।
क्या बोल रहा है, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, उसका हेवनलीनेस एंड हिज एक्सक्लूसिवनेस, दुनिया में रहते हुए सारे लोग इस जगत का लोग है, मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। चलिए यीशु इधर दो दूसरा दावा किया है, दिस इज द सेकेंड ग्रेट क्लेम ऑफ क्राइस्ट, हिज हेवनलीनेस एंड हिज एक्सक्लूसिवनेस फ्रॉम ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, सारे लोगों से अलग है। चलिए हम जो व्यक्ति को जाना है, जो व्यक्ति को हमारा तारणहार और प्रभु तरीके स्वीकार किया है, उस व्यक्ति कौन है ये स्वयं बताता है, यह मनुष्यों का अनुमान नहीं है। यीशु अपने बारे में जब इस जगत में था बोला, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं तुम्हारे जैसा इधर पृथ्वी का नहीं हूं, तुम सब इधर का है, मेरा शिष्य भी, मेरा भाई बहन भी, मेरा माँ बाप भी, सब इधर का है, मैं स्वर्ग से हूं, मैं एक ही, यीशु बता रहा है, मैं स्वर्गीय हूं, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, ये बता रहा है, ये दूसरा है। तीसरा बात देखिए, यूहन्ना 6:51, 6:51, जॉन 6:51, 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु इधर बोल रहा है, स्वर्ग से उतर के आया हुआ रोटी मैं हूं, बाकी सब रोटी इधर से ही मिलता है। यीशु बोल रहा है, मनुष्यों का आत्मिक भूख मिटाने के लिए, मनुष्यों के अंदर बहुत बड़ा भूख है, क्या भूख है, ईश्वर के लिए भूख है। डॉक्टर बिली ग्राहम बोला है, मनुष्य के अंदर एक गॉड शेप्ड वैक्यूम, ईश्वर को ही पूरा कर सकते हुए एक खाली जगह है, हर एक मनुष्य के अंदर है। देयर इज अ गॉड शेप्ड वैक्यूम इन एवरी मैन विच गॉड अलोन कैन फिल, ईश्वर से भर सकते हुए ऐसा एक खाली जगह हर एक मनुष्य के अंदर है, भूख है। जैसा खाना हम लेते हैं, शिकार करते हैं, हमारे अंदर जाने को देता है, अंदर लेता है, उसी प्रकार यीशु बोल रहा है, यदि तुमको आनंद जीवन चाहिए तो मुझको अंदर लेना पड़ेगा, मुझको शिकार करना पड़ेगा। इसलिए यीशु बोल रहा है, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, और एक बार बता रहा है, मैं स्वर्ग से हूं, मैं स्वर्ग से। और आगे हम बढ़ेंगे, यूहन्ना 10:30-33, जॉन यूहन्ना 10:30-33, जॉन 10:30-33। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। लोग पूछते हैं, यीशु कहां, बोला वो ईश्वर है, और इधर यीशु पिता के साथ उसको तुलना करता है, तो बोला आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हूं, उनका इक्वालिटी समानता है, हम दोनों बराबर है। और मैं पूछना चाहता हूं, आज ऐसा एक स्टेटमेंट दुनिया में बोलने के लिए एक व्यक्ति है क्या? क्या पोप बता सकता है, क्या कोई पादरी बता सकता है, कोई बिशप बोल सकता है, मैं और ईश्वर एक हूं?
है और एक ही व्यक्ति ऐसा बोला, वो यीशु मसीह। और यहूदियों को समझ में आया, 33 में हमने क्या पढ़ा, यहूदी लोग पत्थर उठाया, उनको पत्थरवाह करना चाहता था, और उन लोग के ऊपर यीशु बोला क्यों ऐसा कर रहा है। उन लोग क्या गया, तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। सच्चाई क्या है, परमेश्वर होकर मनुष्य रूप में आया, परमेश्वर था और परमेश्वर है। फिलिपियों का पत्री 2:5 से हम पढ़ते हैं, मनुष्य रूप में रहकर वो सारा महिमा छोड़ के ईश्वर के रूप में रहकर, ईश्वर के रूप में रहकर सारा महिमा छोड़ के मनुष्य रूप धारण करके आया। इधर इसके ऊपर क्या आरोप लगाया, तुम मनुष्य होकर अपने आप को ईश्वर बनाता है, इसलिए हम ये परमेश्वर का निंदा करता है। तुम मनुष्य है, हमारे जैसा है, देखने में हमारे जैसा ही लगता है, तुम कैसा बोल सकता है ऐसा, मैं और ईश्वर पिता एक है। इसलिए उनको गुस्सा आया, यहूदी लोगों को गुस्सा आया, उन लोग यीशु को मार डालना चाहता था। पर सच्चाई इधर क्या है, वो परमेश्वर था अनादिकाल से, परमेश्वर मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। उनको ईश्वर, दुनिया में लोग ऐसा ही करते हैं ना, मनुष्य ईश्वर होना चाहते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं था, ईश्वर था मनुष्य रूप होकर इस जगत में प्रकट हो गया। इसलिए इधर यीशु पिता के साथ उनको तुलना करना चाहता, पिता के साथ उनको समानता में लाना चाहता है। ही वांटेड टू मेक हिमसेल्फ इक्वल टू द फादर। अभी यहोवा साक्षी बोल के एक झुंड है, आप जानता होगा, उन लोग क्या बोलेंगे, यीशु एक छोटा ईश्वर है, पिता जैसा बड़ा ईश्वर नहीं है, छोटा है। हम उनको ईश्वर बोल सकते हैं, फिर पिता के जैसा नहीं है, उनसे भी काफी छोटा है, ऐसा बोलने वाले। इधर देखो, मैं और पिता एक हूं, जब ये बोला यहूदियों को समझ में आया, उन लोग तुरंत पत्थर उठाया उनको पत्थर मारने के लिए। फिर यीशु बोला क्यों ऐसा कर रहा है, बोला तुम परमेश्वर का निंदा करता है क्योंकि तुम एक मनुष्य है, तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। चले, यीशु मसीह इधर दावा किया, यीशु और पिता ईश्वरत्व में समान है, कुछ फर्क नहीं है, ईश्वरत्व में दोनों बराबर है। अभी यूहन्ना 14 का 9 पढ़िए, यूहन्ना 14:9, जॉन 14:9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ओके, यीशु मसीह इधर बता, फिलिप्पुस बोल रहा है हमें पिता को दिखाओ, वो हमारे लिए काफी है। यीशु क्या बोला, इतना साल, इतना समय मैं तुम्हारे साथ था, जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है। इसका मतलब क्या है, ये पिता कौन है, ये 33 साल इस दुनिया में रह के ईश्वर, यीशु मसीह प्रकट किया, इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। ईश्वर पिता को प्रकट किया, ईश्वर कौन है, ये यीशु मसीह स्वयं प्रकट किया। शुरुआत में मैं यूहन्ना 1:18 बोला, यूहन्ना 1:18 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर को कोई भी देखा नहीं है, उन जो एकलौता पुत्र उनके गोदी में था उसने परमेश्वर को प्रकट किया। मनुष्य का कोशिश से अभी तक कोई ईश्वर को देखा नहीं, पर यीशु मसीह
ईश्वर को प्रकट किया। यीशु इस जगत में आने का कई उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य था हमारा उद्धार तैयार करना है, हमारे लिए बलिदान होके हमारा उद्धार को तैयार करना, ये मुख्य उद्देश्य था। साथ साथ दूसरे बहुत उद्देश्य था, उनमें से एक है ईश्वर को प्रकट करने के लिए। चलिए यीशु यूहन्ना फिलिपोस को बोल रहा है, जो मुझको देखा है वो पिता को देखा है। पिता को प्रकट करने के लिए, ईश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु आया। देखो ईश्वर ऐसा ही आया तो कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर क्या किया, मनुष्य रूप में आया। इसलिए यीशु इस दुनिया में आया ईश्वर का रेवलेशन होके, ईश्वर को प्रकट करने के लिए आया। यीशु जब इस जगत में था, उनका सर्वशक्ति के बारे में बताया, सर्वज्ञान के बारे में बताया, सर्वव्यापी होने के बारे में बताया। ये सब ईश्वर का ही गुण है, मनुष्यों में ऐसा कुछ गुण नहीं है। ईश्वर को ईश्वर बनाने वाला पांच गुणों में तीन गुण ये है, ईश्वर हर जगह में हर समय हो सकता है। जैसा हम जानते हैं, यदि हमको इधर जीवित रहना है, हम अलग अलग जगह में जाते समय उधर जिंदा रहना है, उधर हवा सरूर होना है, तो ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाएगा तो पर्याप्त तो हवा नहीं होगा, मरण निश्चय है। चलिए जगह मनुष्य रहते हैं, नीचे हवा हमारे लिए उधर मिलते रहता है। इसी प्रकार हमारा ईश्वर का एक गुण है, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 18 का 20 में बोला है, जहां दो और तीन, ये सब बहुत सुपरिचित कलम है इसलिए नहीं पढ़ने का है, मैं बोलता हूं। यूहन्ना 18 का 20 में यीशु मसीह ऐसा दावा किया, जहां मैं दो और तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूं। ये दूसरा कौन बोल सकता है, कहा भी तुम लोग इकट्ठा हो जाओ दो और तीन, मैं उनके बीच में हाजिर होगा। प्रभु का नाम लेके कहां भी उनका लोग बैठते हैं उधर यीशु है। उधर एक तसली का बात है, यीशु ऐसा नहीं बोला है जहां 2000 और 3000 लोग इकट्ठा होते उनके बीच में मैं हाजिर होगा, ऐसा है तो हमको इकट्ठा होना तकलीफ होता। और यीशु ऐसा थोड़ा कम करके 200-300 भी नहीं बोला, और थोड़ा कम करके 20 और 30 नहीं बोला। यीशु क्या बोला, दो और तीन। एक छोटा परिवार होगा, माँ बाप और एक बच्चा है, उन लोग प्रभु के नाम में इकट्ठा होता है तो उनके बीच में हाजिर। तीन विश्वासी लोग हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा तीन विश्वासी लोग हैं, उनके बीच में ईश्वर है। हमारे ईश्वर का यह गुण है, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसे क्या फायदा है, हमको कहां से भी उनके साथ प्रार्थना कर सकता है, संगति कर सकता है, कहां से भी। हम उस ईश्वर को मिलने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है, कोई चर्च में जाने का जरूरत नहीं है, कोई पुण्य जगह में जाने का जरूरत नहीं है। जहां हम हैं हमारे साथ ईश्वर रह सकता है, आपके घर में आपके साथ होगा, मेरे घर में मेरे साथ होगा, कहां भी प्रभु का लोग इकट्ठे होते हैं उनके साथ हो। यीशु ये दावा किया है।
हर जगह में हर समय रह सकता है, मेरे लोगों के साथ मैं रह सकता हूं। ये ईश्वर के यीशु मसीह का एक विशेषता है। और यीशु अपना सर्वशक्ति के बारे में बताया, यूहन्ना 28 का 18 में यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को सारे जगत में जाने के लिए बोल के भेजते समय उसे पहले क्या बोला, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझको मिला है, केवल स्वर्ग में नहीं इस पृथ्वी में भी। ये विश्वासी लोग समझने का एक बात है, सरकार बदलता होगा, हमारे लिए कुछ अनुकूल निर्णय नहीं करता होगा, और इधर का परिस्थिति और माहौल बदलता होगा, उस समय हमको एक बात पकड़ना है, समझना है, यीशु को सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी में मिला है, वो सर्वशक्तिमान है, ही हैज ऑल द पावर, यीशु को सारा अधिकार मिला है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ये समझना है। देखो हम नसरत का कारपेंटर के पीछे नहीं है, यीशु मसीह केवल नसरत का कारपेंटर नहीं है, और हम हमारा योजना से हमारा प्लान से हम उनके लिए कुछ काम नहीं करता है, उनका बड़ा योजना वो पूरा करते हैं, हमें उस योजना में कुछ काम करने के लिए उसने हमको ठहराया है, ये विश्वासी लोग समझने का बात है। इसलिए इधर कुछ ना कुछ कुछ भी हो जाए, कितना भी चेंजेस हम देखें, हमको डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका सेवा में हम हैं, जिसके साथ हम हैं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ईशु को सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी में मिला है, ये विश्वासी लोग समझने का बात है। ये समझेगा तो हमारा अंदर का बुरा भय चले जाएंगे। बहुत लोग इधर कुछ बदलाव होते समय में बहुत घबरा जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं है, यीशु उनका काम पूरा करेंगे। यीशु ने बोला मैं मेरी मंडली को बांधूंगा, यीशु ऐसा अपने शिष्यों को साथ में रहते नहीं बोला है, हम हमारा मंडली को बांधेंगे ऐसा नहीं बोला, यीशु अकेला ये मंडली बांधता है। यीशु ये मंडली बांधते समय में उनको दूसरे लोगों का सेवा का जरूरत है, इसलिए आपको और मुझको यीशु साथ में लिया है, ये विश्वासी लोग बहुत समझने का बात है। मंडली को बांधने का काम उनका है, योजना उनका है, प्लान उनका है, ये कर रहा है, हम उनके साथ जोड़ा हुआ है, बस इतना है। हमारा आइडिया यीशु को नहीं चाहिए, हमारा कुछ योजना नहीं चाहिए, हमारा कुछ मदद नहीं चाहिए, उनके ओर से हमको जो ऑर्डर मिलता है वो हमको पूरा करने का, बस इतना ही हमारा काम है, ये विश्वासी लोग समझना, क्योंकि यीशु को सारा अधिकार मिला है। हम नसरत का स्तोतार के पीछे नहीं है, हम नसरत का बड़ाई के पीछे नहीं है, हम नसरत का कारपेंटर के पीछे नहीं है, हम सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार पाया हुआ प्रभु यीशु के पीछे, ये यीशु हमारे साथ है। वो कौन है? सर्वशक्तिमान है। इसलिए दो बात हमने देख लिया, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और यीशु सर्वज्ञानी है, यीशु को सब कुछ मालूम है। एक घटना आप सुवार्ता में पढ़ते हैं, यीशु को जरूसलेम में जाने के लिए एक गधा का जरूरत था, यीशु अपने शिष्यों को क्या बोला, तुम लोग इधर से आगे जाओ, शहर में जाते समय में
उधर एक गधा को बांधे हुए तुम मिलेंगे, देखेंगे उसको, उधर से खोल के लेके आने का, ऐसा बोला। शिष्य लोग जब गया, उस गधा उधर ऐसा ही था, और यदि कोई पूछेगा तो बोलना है प्रभु को इसका जरूरत है, यीशु को इसका जरूरत है, तुम बोलना, ऐसा ही हुआ। ये क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह का सर्वज्ञान, आगे के बारे में उनको सारा बात मालूम है, सारा बात मालूम। बाइबल में एक घटना है, पत्रोस को और यीशु मसीह को टैक्स देने के लिए पैसा नहीं था। यीशु पत्रोस को क्या बोला? तुम वो हुक लेके, हुक के लिए क्या बोलता है, काटा कांटा लेके समुद्र में जाके समुद्र में डाल दो, वो पहला मच्छी जो आएगा उसके मुंह में, मेरे लिए और तुम्हारे लिए टैक्स भरने का पर्याप्त सिक्का होगा। उधर एक तो बहुत बड़ा बात आपको जान समझने का है, समुद्र के अंदर कितना मछलियां हैं और कौन सा मछली के मुंह में ये पैसा है, किसको क्या मालूम है? मनुष्य को मालूम नहीं पड़ेगा। और उधर यीशु क्या कर रहा है? राइट फिश इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम विद द राइट अमाउंट, सही मछली सही जगह में सही टाइम पर सही सिक्का के साथ खड़ा है। इसलिए यीशु का सर्वज्ञान, छोटा छोटा बात मनुष्य से कभी भी बोल नहीं सकते हैं, मनुष्य को जान नहीं सकते, ऐसा बात जानने वाला है यीशु मसीह। चलिए, यीशु मसीह का डायरेक्ट क्लेम्स, उनका प्रत्यक्ष दावाएं, यीशु अपने बारे में क्या बोला, अपना शिष्यों को उनके बारे में क्या जानकारी दिया, उधर उनके सामने आया हुआ लोग, अविश्वास के साथ आया हुआ लोगों को यीशु क्या बोला, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, पहला बात है यीशु मसीह का डायरेक्ट क्लेम्स। अभी आज हमारे पास टाइम नहीं है, प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता सेवन ग्रेट आई एम क्लेम्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का साथ मैं हूं दावा, अगले हफ्ता के लिए हम रखेंगे। सेवन ग्रेट आई एम ऑफ क्राइस्ट, आई एम क्लेम्स ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह 7 बार मैं हूं, मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा दाखलता हूं, मार्ग सत्य जीवन में हूं, ऐसा 7 दावा है यीशु किया। वो थोड़ा विस्तार से पढ़ने का बात है, इसलिए आज मैं वो लेना नहीं चाहता हूं। यीशु अपने आप को प्रकट किया, इसलिए मैं शुरुआत में बोला, यदि यीशु अपने बारे में ऐसा कुछ बातें बोला है तो हम उसको मानना है, दूसरों को बताना है। यदि यीशु अपने बारे में कुछ नहीं बोला, दूसरे कुछ लोग उनके बारे में बोला है, तो हमको उनके बारे में बोलने का क्या जरूरत है? ऐसा एक व्यक्ति के पीछे हम जाएंगा तो हमको क्या मिलेगा? चलिए, यीशु स्वयं अपने आप को प्रकट किया, यीशु ऐसा बड़ा बड़ा दावा किया, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, अनादिकाल से है, वो बाकी लोगों से अलग है, उनके जैसा कोई नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो पिता के साथ तुल्यता में है, पिता से कोई भी रीति में कुछ कम नहीं है, ऐसा बातें बोलने वाला यीशु। भी इतना सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया? हम जो व्यक्ति को जाना है और विश्वास किया है, विश्वास करते हैं, वो कितना महान है, एक अदुल्य व्यक्ति है, वो कितना बड़ा सौभाग्य का बात है, समझ लो।
जैसा एक देश में हमारा जन्म हुआ, और इधर हम इस इशू को जानना थोड़ा कठिन बात था। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, ये सच्चाई जानने के लिए, इस इशू कौन है ये समझने के लिए, और उससे बढ़कर इस इशू को स्वीकार करने के लिए। जैसा इशू बोला, मैं जीवन का रोटी हूं, जो मुझको खाएगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। जैसा हमारा शारीरिक भूख मिटाने के लिए हम रोटी खाते हैं, उसको हमारा शरीर में, हमारा पेट में अंदर जाने को देता है, उसी प्रकार यीशु को हमारे आत्मा में हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इधर एक फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के बारे में जानना और यीशु को स्वीकार करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। बहुत लोगों को यीशु के बारे में अच्छा जानकारी है, तो तकलीफ क्या हो गया, उन लोग यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार नहीं किया। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस यीशु के बारे में जानकारी पाने के लिए, ये कौन है समझने के लिए। आखिरी में उनको हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रभु और तारनार तरीके स्वीकार करके अनंत जीवन पाने के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य हमको मिला, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी हम यीशु मसीह का इनडायरेक्ट क्लेम्स, अप्रत्यक्ष दावा है। यीशु जब इधर था, कुछ अप्रत्यक्ष दावा किया, इनडायरेक्ट क्लेम्स। पहला है, यीशु लोगों को पाप का क्षमा दिए, यूहन्ना मरकोस का सुवार्ता दूसरा अध्याय में यीशु एक पारलाइज आदमी को चंगाई दिया। चंगाई देते समय में उधर लोग खड़े होके बोला है, चंगाई देने से पहले उस आदमी को पाप का क्षमा दिया। चंगाई के लिए लाया था, मरकोस का सुवार्ता दूसरा अध्याय में चंगाई के लिए उनको लेके आया था, पर चंगाई देने से पहले, चंगाई बाद में दिया, यीशु उनको पाप का क्षमा दिया। क्यों ऐसा किया? यीशु के दृष्टि में पाप का क्षमा शारीरिक चंगाई से बहुत बड़ा है। बीमारी मिटा नहीं है तो नरक में नहीं जाएगा, पाप मिटा नहीं है तो, पाप का क्षमा नहीं हुआ तो नरक में चले जाएंगे। पाप आत्मा का बीमारी है, अंदर का बीमारी है। इसलिए यीशु के दृष्टि में पाप का बीमारी, अंदर का बीमारी, आत्मा का बीमारी, शारीरिक बीमारी से बड़ा था। इसलिए यीशु उस आदमी को पहले क्या दिया? आत्मा का चंगाई, पाप का क्षमा दिया। और उस समय उधर खड़े हुए लोग क्या बोला उनको? ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है, ये मनुष्य होके कैसा पाप का क्षमा दे सकता है? ईश्वर ही पाप का क्षमा दे सकता है, ऋषु क्यों ऐसा बोल रहा है? अभी देख लीजिए पांचवा कलम में। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। छह और सात भी पढ़िए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? इधर उन लोग एक बहुत बड़ा सच्चाई बोला, क्या है? परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप का क्षमा कर सकता है? और मैं बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर कितना भी एक आदमी बड़ा हो, किसी को पाप का क्षमा दे नहीं सकता है, फिर इतना कर सकता है उस व्यक्ति को यीशु के पास ला सकता है, ताकि यीशु के द्वारा उनको पाप का क्षमा पाए। चलिए, यीशु जब इधर पाप का क्षमा दिया, यीशु दावा कर रहा था, मैं ईश्वर हूं, मुझको पाप का क्षमा देने का अधिकार है। अभी भजन संहिता 32 का 5 थोड़ा पढ़िए।
32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इधर पाप का क्षमा कैसा मिलेगा? मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, तुझ पर मतलब ईश्वर पर, मेरा पाप ईश्वर के सामने मैं प्रकट किया, अपना अधर्म को ना छिपाया, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। समझ लो, ईश्वर के सिवाय पाप का क्षमा कोई कर नहीं सकता है। इसके लिए हम लोगों को यीशु के पास लेके आता है, क्या के लिए? पाप का क्षमा के लिए। जैसा मैं बोला, आपका बीमारी कितना भी बड़ा हो, वो बीमारी के कारण कोई नरक में नहीं जाएगा। यदि आपका पाप का बीमारी, आत्मा का बीमारी, अंदर का बीमारी, पाप का क्षमा नहीं हुआ, तो आपको स्वर्ग में जा नहीं सकता। ये पाप का क्षमा कौन दे सकता है? ईश्वर ही दे सकता है। कब दे सकता है? जब अब आपका पाप को कबूल करेगा तब। चलिए, पाप का क्षमा पाना एक व्यक्ति का सबसे मुख्य जरूरत है। यदि पाप का क्षमा पाने के बिना एक व्यक्ति पाप के साथ इधर से चले जाएगा तो उनको उसका पाप के साथ अनंत काल का नाश में जाना पड़ेगा। समझ लो, पाप के बारे में बाइबल कोई भी उसको हल्का करके नहीं बताता है। पाप बहुत गंभीर बात है। पाप मनुष्यों को ईश्वर से अलग किया। यदि इधर पाप का क्षमा नहीं पाया तो अनंत काल के लिए पाप मनुष्यों को ईश्वर से अलग करके रखेगा। इसलिए मेरा वचन सुनने वाला, इस शाम का बाइबल स्टडी सुनने वालों में कोई आज तक पाप का क्षमा नहीं पाया, अपना पाप ईश्वर के सामने कबूल करके ईश्वर से पाप का क्षमा नहीं पाया, ये आपका मौका है। पाप के साथ मत जीना, पाप आपको अनंत काल का नाश में लेके जाएगा, अनंत काल का आग में हमेशा के लिए ईश्वर से पाप हमको आपको अलग करेंगे। ये बात गंभीरता से ले लो। चलिए, ईश्वर इधर जब था, पाप का क्षमा लोगों को दिया। दूसरा बात है, यीशु आराधना स्वीकार किया। यूहन्ना 9:38 देख ली, John 8:38। एट का 38 ब्रदर। 9:38, सॉरी 9:38, 9:38। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। ओके, He said, I believe Lord, then he worshipped him. यीशु का पुनरुत्थान के बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 28 में, यीशु का शिष्य लोग उनको पहचान लिया, वापस उनको दंडवत किया। इसलिए यीशु आराधना स्वीकार किया। और हम आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में जब आएगा, स्वर्ग में अनगिनत लोग यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। यीशु आराधना के लिए योग्य है। आराधना के लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, वो ईश्वर है। यीशु मसीह ईश्वर नहीं है तो यीशु को आराधना करना सबसे बड़ा पाप। ये भी विश्वासी लोग समझने का बात है। हम क्यों यीशु को आराधना करते हैं? यीशु मनुष्य नहीं है, यीशु ईश्वर है, यह समझने का। हमारा टाइम आज पूरा हो गया।
आज मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। अगले हफ्ता इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ यीशु मसीह का साथ मैं हूं दावाएं हम मनन करेंगे। गॉड विलिंग नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू दिस द इनडायरेक्ट क्लेम्स ऑफ क्राइस्ट विद अलोंग विद दैट वी विल स्टडी द सेवन ग्रेट आई एम्स ऑफ क्राइस्ट। इसलिए प्रभु इन वचनों को हमारे लिए आशीष करके देंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो।